मित्रों को जय सियाराम, जय श्री कृष्णा। आज हम महाभारत के युद्ध के बारे में और भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने शस्त्र उठा लिया तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, सभी मारे जाएंगे। कृष्ण चाहते थे कि दोनों पक्षों को बराबर मौका मिलना चाहिए, परंतु कृष्ण के पास ऐसी कौन सी शक्ति जिससे वो एक पल में ही युद्ध की संपत्ति कर सकते थे? वो था भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था कि जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए जाता है। सुदर्शन चक्र शत्रु पर चलाया नहीं जाता, यह प्रहार करने वाले की इच्छा शक्ति से भेजा जाता है। यह चक्र किसी भी चीज को खत्म करने की क्षमता रखता है। आइए जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद सुदर्शन चक्र कहां गया। क्या कभी हमें इसकी शक्ति का अंदाजा हो पाएगा? कहां है सुदर्शन चक्र? ये काल चक्र है। महाभारत में सुदर्शन चक्र के विषय में उल्लेख है कि अत्यंत शक्तिशाली चक्र से एक शक्ति युक्त अस्त्र प्रक्षेपित किया गया, धुएं के साथ अत्यंत चमकदार ज्वाला, जिसकी चमक 10,000 सूर्यों के चमक के बराबर थी, का अत्यंत भव्य स्तंभ उठा। वह वज्र के समान अज्ञात अस्त्र साक्षात मृत्यु का भीमकाय दूत था, जिसने वृष्ण और अंधक के समस्त वंश को भस्म करके राख बना दिया। उनके शव इस प्रकार से जल गए थे कि पहचानने योग्य नहीं थे, उनके बाल और नाखून अलग होकर गिर गए था। यह चक्र एक पूरी सेना को संपत करने की क्षमता रखता था। पुराणों में बताया गया है कि भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से तीन चीजों का निर्माण किया, पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। परंतु यहां सवाल यह उठता है कि महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका उत्तर हमें भविष्य पुराण में मिलता है। उसमें लिखा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र वहीं उसी जगह मिट्टी में दफन हो गया, और इस कलयुग में जब भगवान विष्णु फिर से कल्कि रूप धारण करके वापस इस पृथ्वी पर आएंगे तब एक बार पुनः वो सुदर्शन चक्र धारण करेंगे। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, सुदर्शन चक्र जैसे अस्त्र अवश्य ही विभिन्न शक्ति से संपन्न थे, किंतु हम स्वयं ही अपने प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विवरणों को मिथक मानते हैं और उनके आख्यान तथा उपाख्यानों को कपोल कल्पना। हमारा ऐसा मानना केवल हमें मिली दूषित शिक्षा का परिणाम है, जो कि अपने धर्म ग्रंथों के प्रति आस्था रखने वाले पूर्वाग्रह से युक्त पाश्चात्य विद्वानों की देन है। पता नहीं हम कभी इस दूषित शिक्षा से मुक्त होकर अपनी शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर भी पाएंगे या नहीं। हमारे द्वारा की जा रही जानकारी आपके काम आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय सियाराम।